Hey guys, welcome you all. So, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी के बारे में जो कि रहेगी आपकी पोजीशनल स्ट्रेटजी ऑसम ऑसिलेटर के ऊपर। तो सबसे पहले स्ट्रेटजी के अंदर बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ऑसम ऑसिलेटर होता क्या है और चार्ट के ऊपर आपको किस तरह से ये दिखता है। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नवे हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना करें। तो यहाँ पे आप देखेंगे SBI का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे ऑसम ऑसिलेटर लगा रखा है। इसको कैसे लगाना अगर आपको नहीं पता तो इसको मैं क्रॉस कर देता हूं और यहाँ स्टडीज में जाएंगे और यहाँ पे देखिए आपको आप लिखेंगे AWES तो आपको ऑसम ऑसिलेटर नाम से एक इंडिकेटर मिल जाएगा। तो डायरेक्टली आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और आप देखेंगे आपका ऑसम ऑसिलेटर नीचे लग जाएगा। अब ऑसम ऑसिलेटर के अंदर देखिए काफी चीजें हैं देखने के लिए। इसके अंदर आपको बार्स दिखते हैं रेड और ग्रीन कलर के जो कि बताते हैं कि कितनी पॉजिटिविटी है कितनी नेगेटिविटी है स्टॉक के अंदर। लेकिन हम यहाँ पे सिंपल बेसिस पे काम करेंगे जब ये आपका जो ऑसिलेटर है वो आपका जीरो से ऊपर मतलब कि जो आपको मिडल की लाइन दिख रही है जीरो वाली लाइन यहाँ पे आप देख रहे होंगे राइट साइड में जीरो टेन ट्वेंटी नीचे नाइन माइनस ट्वेंटी माइनस थर्टी दिख रहा होगा आपको। तो हम यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटजी बनाएंगे ऑसम ऑसिलेटर की कि जीरो से ऊपर अगर आपका क्रॉस ओवर देता है ऑसम ऑसिलेटर तो आपको बाय करना है और अगर जीरो के नीचे क्रॉस ओवर देता है तो आपको सेल करना है। तो ऑन द चार्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखेंगे अगर मैं आपको ड्रॉ करके बताऊं यहाँ पे तो ये देखिए यहाँ पे इसने क्रॉसओवर दिया है ऊपर की तरफ और सेम टू सेम अब यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल ने क्रॉसओवर दिया है ऊपर की तरफ मतलब कि इस कैंडल ने क्लोज ये आप देखेंगे ये वाली कैंडल है इसे मैं करता हूं ये देखिए जो ये वाली कैंडल है आपकी इस कैंडल के ऊपर आपका जो सिग्नल है वो आपको मिला है। तो मतलब ये जो मैंने बनाई है लाइन रुकी इसको मैं डिलीट कर देता हूं और यहाँ पे ये देखेंगे आप ये वाली लाइन ये थी तो ये वाली जो कैंडल है इसके ऊपर आपकी एंट्री होती तो ये तो आप क्या हो जाता एंट्री पॉइंट। अब यहाँ पे एग्जिट पॉइंट क्या होता अब यहां से लेके लगभग आप देख सकते हैं तारीख है 31 दिसंबर से लेके अभी तक आपका जो है ये एग्जिट नहीं हुआ है। एग्जिट कब होगा जब ऑसम ऑसिलेटर की वैल्यू आपकी जीरो के नीचे होगी मतलब कि जीरो के नीचे क्रॉस करेगा। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे तो आपका लगभग बाय हुआ था इसका क्लोज प्राइस अगर आप देखेंगे तो है 459.65 और अभी आप देखेंगे तो चल रहा है 507। ये 1 आवर का चार्ट है 1 आवर के ऊपर लेंगे हम और ये हमारी सीएनसी रही जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम पोजिशनली इसके ऊपर वर्क करेंगे तो पोजिशनली में ज्यादा अच्छी वर्क करती है स्ट्रेटजी। अगर आपको इंट्राडे में देखना तो आपको इंट्राडे में भी दिखा दूंगा इसके क्या रिजल्ट्स हैं पिछले 3 महीने के। यहाँ पे 1 आवर के चार्ट के ऊपर हम यहाँ पे इसके 1 साल के रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह के इसने रिजल्ट हमें देखने के लिए दिए हैं। अब यहाँ पे इसको अगर मिनिमाइज करूं तो यहाँ पे देखेंगे आप ये देखिए एक छोटा सा आपको दिखाता हूं एग्जांपल रुकिए यहाँ पे थोड़ा इसको पीछे करता हूं यहाँ पे आपको थोड़ा आसानी समझ में आएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑसम ऑसिलेटर ने आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है तो मतलब यहाँ कहीं इसकी यहाँ पे एंट्री होगी ओके। और इसके बाद ऑसम ऑसिलेटर ने यहाँ पे देखिए आपको नीचे की तरफ क्रॉसओवर दिया आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे और उस तरह से इसकी जो एंट्री होगी वो होगी इस कैंडल के आसपास कहीं पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये देखिए यहाँ पे इसने दिया है तो इस कैंडल के ऊपर आपकी एंट्री हुई है लगभग 476 के ऊपर और यहाँ पे इसने आपको एग्जिट दिया है लगभग की 484 के ऊपर 476 और 484 आप देख सकते हैं 2 दिन के अंदर आपको यहाँ पे रिटर्न देखने के लिए मिल गए। तो इसी स्ट्रेटजी को हम लॉन्ग टर्म के अंदर देखेंगे किस तरह के रिजल्ट आपको ये दे रहा है तो उसके लिए हम स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे स्ट्रिक के ऊपर। स्ट्रेटजी क्रिएट किस तरह से करनी है वो मैं आपको पूरी की पूरी तरह यहाँ पे दिखाऊंगा बहुत ज्यादा इजी यहाँ पे स्ट्रेटजी को क्रिएट करना और प्रैक्टिस करना। उसके लिए सिंपली आपको जाना है स्ट्रिक के ऊपर। स्ट्रिक के अंदर देखिए आप स्ट्रेटजी के पेज पे जाएंगे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसके यहाँ पे क्रिएट स्ट्रेटजी का आपको बटन दिखेगा इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो स्ट्रेटजी का नाम पूछेगा तो स्ट्रेटजी का नाम हम यहाँ पे AWESOME ऑसम ऑसिलेटर कर देते हैं और इसे क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले यहाँ पे ऐड सिंबल करने हैं तो सिंबल्स के अंदर आप यहाँ पे किसी भी स्टॉक्स के ऊपर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने फेवरेट जो स्टॉक्स हैं जो मैंने लिस्ट बना रखी है बास्केट बना रखी है उसे ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मेरे यहाँ पे ऐड मैंने कर दिए हैं। अब इसके बाद हम थोड़ा नीचे जाएंगे यहाँ पे हमारा कैंडल टाइप मतलब कि चार्ट टाइप रहेगा कैंडल कैंडल का जो इंटरवल रहेगा वो रहेगा 1 आवर का जैसे कि मैंने आपको बताया था और जो होल्डिंग टाइप रहेगी वो हमारी रहेगी सीएनसी एनआरएमएल हम एमआईएस के अंदर काम नहीं करेंगे। इसके बाद मैं आपको एमआईएस का भी एक दिखा दूंगा 3 महीने का रिजल्ट किस तरह का आपको देखने के लिए मिलता है ताकि आपको यहाँ पे कंपेरिजन करने में आसानी हो बाकी आप खुद भी करके यहाँ पे
देख सकते हैं। अब इसके बाद आएगा मैक्स एलोकेशन। अब यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो क्वांटिटी ले सकते हैं अपनी फिक्स, या तो फिर आप पर स्टॉक के ऊपर अपना जो अमाउंट है वो फिक्स कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपको फिक्स करके चलना है। सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे लगभग कितने स्टॉक्स हैं, मैं गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टॉक आपको दिख रहे हैं। अगर व्यू ऑल करूं तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टॉक हैं आपके पास। तो अगर 7 स्टॉक्स के अंदर आप 10,000 रुपए लगाते हैं तो 70,000 रुपए आपके पास होते हैं टोटल। तो यहाँ पे मैक्स एलोकेशन में अगर मैं 10,000 भर दूं तो यहाँ पे आपका लगभग टोटल 70,000 से ऊपर आपका जो ट्रेड है वो नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आपके पास कैपिटल जितना है उसके उसके हिसाब से आप यहाँ पे मैक्स एलोकेशन भर सकते हैं, तो उसके हिसाब से आप आपकी क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट कर लेगा। और यहाँ पे पोजीशन साइजिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं कैपिटल बेस्ड, जैसे कि हमने किया है। इसको नेक्स्ट करेंगे हम। इसके बाद आपके पास पोजीशन आएगी आई वुड टेक बाय और सेल। तो हम पोजिशनल होल्डिंग कर रहे हैं इक्विटीज के अंदर, तो सिंपल सी बात, हमें बाय करना है, सेल हम नहीं कर सकते। बाय करेंगे, अब यहाँ पे कंडीशन बनानी है। कंडीशन बनाने का बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे भी आपने ऑसम ऑसिलेटर से बनानी है। तो यहाँ पे आप टाइप करिए ऑसम, देखिए AWE आप लिखेंगे तो आपको ऑसम ऑसिलेटर मिल जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे, ऑफसेट 0 रखेंगे, इसको डन करेंगे, फिर इसके बाद ऐड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्रॉसेस अबव, तो क्रॉसेस अबव आपको दिख रहा है, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर, NUM नंबर लिखा आपने, और यहाँ पे 0 करेंगे और इसे डन करेंगे। आपका ये स्ट्रेटजी आपकी एंट्री कंडीशन बन गई सिंपली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑसम ऑसिलेटर क्रॉसेस अबव 0 तो आपको एंट्री लेनी है। तो ऑसम ऑसिलेटर जब भी 0 के ऊपर क्रॉस करेगा आपकी एंट्री हो जाएगी। एंट्री और स्टार्ट टाइम, मतलब कि स्टार्ट टाइम और एंड टाइम में आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसे नेक्स्ट करेंगे आप। अब आएगी आपके पास एग्जिट कंडीशन। अब देखिए स्टॉप लॉस और टारगेट हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं डालना है, हमें इंडिकेटर के हिसाब से चलना है। एंट्री हमने लिया है क्रॉसेस अबव पे और एग्जिट हम करेंगे क्रॉसेस बिलो पे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है वो बहुत बड़ा डाल देंगे ताकि वो स्टॉप लॉस आपका हिट ना हो, और टारगेट भी बहुत ज्यादा बड़ा डाल देंगे। और यहाँ पे हम फिर से ऑसम ऑसिलेटर सेम टू सेम डन, यहाँ पे क्रॉसेस अबव था पहले, इसे हम करेंगे क्रॉसेस बिलो, और इसके बाद एड करेंगे नंबर और यहाँ पे 0। आप देखेंगे ऑसम ऑसिलेटर क्रॉसेस बिलो 0 हो गया। अब इसे हम करेंगे सिंपली नेक्स्ट, और यहाँ पे एक बार रिव्यू करेंगे कि हमने स्ट्रेटजी क्या बनाई है। चार्ट टाइप हमने कैंडल टाइप लिया है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लिया है, सीएनसी एनआरएमएल हमने होल्डिंग टाइप्स ली है, क्वांटिटी हमने मैक्स एलोकेशन के हिसाब से फिक्स की है कैपिटल बेस 10,000 रुपीज ईच स्टॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे आपका ये एंट्री कंडीशन हो गई बाय विथ मैक्स एलोकेशन 1000 व्हेन ऑसम ऑसिलेटर क्रॉसेस अबव 0 एट 1 आवर कैंडल। और आप एग्जिट देखेंगे तो व्हेन ऑसम ऑसिलेटर क्रॉसेस बिलो 0 और एट अ स्टॉप लॉस ऑफ वही 90 ट्रिपल लाइन और ट्रिपल लाइन जो कि हिट आपका नहीं होगा किसी भी हालत में, तो यहाँ पे हमने डाल दिया। इसके बाद आपका डेट देखेंगे आप 17 जनवरी से लेकर 16 जनवरी 2021 से 2022 पूरे 1 साल का बैकटेस्ट आपको दिखाएगा। और यहाँ पे ट्रेड साइकिल आप डाल सकते हैं डेली, आपको कितने ट्रेड साइकिल चाहिए, 1 चाहिए 2 चाहिए 3 चाहिए कितने चाहिए तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ओपन छोड़ रहा हूँ, जितने भी आएंगे हमारे पास इसे 7 बैकटेस्ट करते हैं और यहाँ पे आपको 1 साल का बैकटेस्ट जो है यहाँ पे आपको दिख जाएगा। सो यहाँ पे आप देखते हैं बैकटेस्ट रिजल्ट आपके सामने है। SBI के अंदर आपको लगभग 36% का रिटर्न मिला है, बजाज फाइनेंस के अंदर 23% का रिटर्न मिला है, टाटा मोटर्स में 52% का रिटर्न मिला है आपको। और नीचे आएंगे तो SBI कार्ड्स के अंदर 10% का आपको लॉस है, यहाँ पे रुपीज के अंदर ऊपर आप देख सकते हैं। बजाज फिनसर्फ के अंदर आपको 5% का प्रॉफिट है, जाइडस के अंदर आपको 19% का लॉस है, और आप देख सकते हैं जुबलेंट फूड के अंदर आपको लगभग 13% का यहाँ पे प्रॉफिट है। तो इस तरह से आप इसके अंदर आप चाहें आपको देखिए 14% का कॉम्युलेटिव रिटर्न आपको मिला है पूरे साल भर के अंदर सारे स्टॉक से, और वही पैसा अगर आप बैंक के अंदर रखते एज अ फिक्स डिपॉजिट तो आपको मिलता 5.5%। तो उसके हिसाब से रिटर्न बहुत ज्यादा है, अगर आप ब्रोकरेज भी निकाल दें इसकी तो भी आपको लगभग 7.8% का रिटर्न यहाँ पे मिल जाता है। तो आप चाहे तो इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं और इसके अंदर चाहे तो अपनी और भी कंडीशन बना के देख सकते हैं। तो ये ऑसम ऑसिलेटर के साथ था, इसके अंदर आप कुछ और इंडिकेटर्स ऐड करेंगे तो आपकी स्ट्रेटजी और ज्यादा रिफाइन होगी। बाकी इसके अंदर से अगर आप जायडस वेलनेस को हटा देते हैं, मतलब जो स्टॉक्स आपको यहाँ पे खराब परफॉर्मेंस दिख रही है उसको हटा देते हैं तो आपको रिजल्ट में हो सकता है और अच्छी ज्यादा बेहतरी दिखे। चलिए अब तो हो गई बात ये आपकी 1 ईयर के टाइम फ्रेम की। ओके, अब अगर हम देखें इसको कि अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं, मतलब की इंट्राडे के अंदर यूज करते हैं, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आते हैं। तो ये 3 महीने का रिजल्ट आपको दिखाएगा 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से। डन बैकटेस्ट कर लेता हूं मैं। पहले हमारे पास जो रिजल्ट था वो था 14% और यहाँ पे अब देखेंगे बैकटेस्ट होने के बाद हमारे पास कितना आता है। तो ये है आपके पास 1.25% आफ्टर क्रिएटिंग इट इनटू MIS। अब इसके अंदर अगर ऊपर देखेंगे
तो यहाँ पे बजाज फिनसर्व का ट्रेड नहीं आया है, शायद इसका डाटा नहीं है या फिर कोई ट्रेड हुआ ही नहीं है इसके अंदर, आई डोंट थिंक सो। ऐसा तो होने तक ट्रेड ना हुआ हो तो मेज भी हो सकता है यहाँ पे डाटा ना आ रहा हो इसका, एक और बार करके देख लेते हैं। ओके इसका डाटा आई थिंक नहीं आ रहा है। चलिए ठीक है, जितने भी स्टॉक्स हैं उसका अगर आप देखेंगे 1.25% अगर ब्रोकरेज ऑन कर दी जाए तो ये पहुंच जाता है आपका -13.7%, आप देख सकते हैं। तो मतलब कि ये स्ट्रेटजी आपकी एमआईएस के अंदर काम नहीं करती है, अगर आप इसको होल्डिंग्स के अंदर लेके जाएंगे तो ही आपकी अच्छे से काम करेगी। सो होपफुली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से आप इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं और उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। सो आप इसको और प्रैक्टिस करके दे सकते हैं, पिछले तीन अभी मैंने 3 महीने किए हैं, 3 महीने से असल में सामने नहीं आएगा। आप इसको कंपेयर करने के लिए 15-15 मिनट का पिछले 1 साल का बैकटेस्ट कीजिए, तो आपको कंपैरिजन मिल जाएगा कि आपको इंट्राडे में ज्यादा अच्छा प्रॉफिट है या फिर सीएनसी नॉर्मल में। तो इसको आप कंपेयर करिए और उसके बाद से देखिए कि आपको यहाँ पे एमआईएस के साथ जाना है या फिर सीएनसी एनआरएमएल के साथ जाना है। अगर मेरी बात कहेंगे तो अगर आपको ऑसम ऑसिलेटर के साथ या किसी भी इंडिकेटर के साथ जाना है तो आप सीएनसी ही पोजिशन पे जाएंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि फॉल्स सिग्नल्स कम आते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।